तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है जस्ट इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। आपके पास पूरा वीडियो फुटेज होता है उस चीज का, उस इंसिडेंट का, कि जो आपके साथ उस टाइम पे हुआ था। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है अंकुर एंड आज मैं आ गया हूँ एक और स्पेशल वीडियो लेकर के आप लोग के लिए। तो आज की जो वीडियो है ये रहने वाली है डैश कैम के ऊपर। अगर आप रोड पे चलते हो, कोई भी गाड़ी आप लेकर के चलते हो, तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है आपकी कि आप रोड में खुद तो ध्यान से चलो एंड दूसरे को भी कोई नुकसान ना पहुंचाओ। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जिस हिसाब से रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं इंडिया में, तो ये आप एक तरीके से अपनी खुद की सेफ्टी के लिए भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये क्या चीज है, कैसे काम करती है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ एरर आपके माइंड में बच ना जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहीं, जो डैश कैम परचेस किया है वो है 70 MAI का, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका है। तो इसको मैं अनबॉक्स तो क्या करूंगा, मैंने तो इंस्टॉल कर चुका है, फिर भी आप लोग के लिए मैं एक बार बता देता हूँ कि इसमें आपको इनबॉक्स क्या क्या चीजें मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस एंड प्राइस की बात कर देता हूँ। तो मैंने इसको अमेजोन प्राइम के थ्रू परचेस किया था, उस टाइम पे मुझे ये मिला था 7,800 रुपीज का। एमआरपी की अगर हम इसकी बात करें तो ये 12,999 का पड़ता है, मतलब 13,000 एमआरपी है, बट अराउंड आपको 8,500 तक आराम से मिल जाएगा अमेजोन पर भी। तो ये तो हो गई इसकी प्राइस की बात, और इसमें कलर्स भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो जैसे हमारा जो डैश कैम है वो फ्रंट एंड रियर दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो आपके बॉक्स में भी लिखा हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे A400 फ्रंट एंड रियर का जो कैमरा का सेट है, तो दोनों हम लोग को इसमें मिल जाता है। एंड इनबॉक्स इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती है, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, ये जो एक है स्टिक मिल जाती है, प्लास्टिक का है ये छोटा सा, ये किस काम आता है। तो जब मैं आपको इंस्टॉलेशन का पार्ट बताऊंगा तब आपको मैं अच्छे से बता दूंगा कि इसका क्या काम होता है, ठीक है। तो इनबॉक्स क्या क्या चीजें मिल जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें दो ऑप्शन आपको मिल जाता है, मतलब राइट साइड में एक है एंड एक लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जो छोटा वाला पैनल है उसको आप ओपन करोगे तो आपको उसमें मिल जाएगा आपका रियर कैमरे का सेटअप, ठीक है, और रियर कैमरा इसमें रहता है। एंड ये मैं बात करूं तो ये है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर जो आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर मतलब उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होती है जो आपके ग्लास में स्टिक हो जाएगी, उसके ऊपर ही आपको कैमरे को इंस्टॉल करना है। एंड एक और चीज मैं बता सकता हूं, अगर आपको जस्ट इन केस, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीजर तो यही है कि आपको ऐसे ही इंस्टॉलेशन करनी है, बट अगर आपसे ये नहीं हो पाता तो आप डायरेक्ट कैमरे को भी इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। तो ये जो स्टिकर्स है ये देखो, ये फ्रंट का मिल जाता है एंड ये आपको मिल जाता है रियर का, और ये आपको कंपनी जो प्रोवाइड करेगी, दो दो स्टिकर्स मिलेंगे सब में, ठीक है। अगर जस्ट इन केस आपसे एक खराब हो जाता है तो आप दूसरे वाले की हेल्प से अपना काम को, टास्क को जो है आपका इंस्टॉलेशन का, वो आप पूरा कर सकते हो। और बाकी ये कवर है जिसके अंदर कैमरा था, तो ये हो गया एक पार्ट। एंड जो दूसरा पार्ट है वो है इसका बड़े वाले कैमरे का, यहाँ पे आपको जो आपका मेन कैमरा है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको एक मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट जो कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। इसमें आपको सिंगल पोर्ट ही मिलता है, दो दे देना चाहिए था कंपनी को, इस प्राइस पॉइंट पे दो मिल जाना चाहिए था, तो ताकि आप अपना फोन वगैरह भी चार्ज कर सको। जैसे मेरे में अभी एक में यूएसबी लगा है एंड जो चार्जिंग सॉकेट होता है सिगरेट लाइटर वाला, उसमें तो यही लग जाता है। तो ये जो चीज है थोड़ा सा कंपनी को ध्यान रखना चाहिए था, इस प्राइस पॉइंट पे दो पोर्ट दे देने चाहिए थे। नेवरदलेस जो है वो काफी है, बहुत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो ये तो हो गया, आपने दोनों कैमरे निकाल लिए, एक आपको ये स्टिक मिल जाती है। जब मैं आपको इंस्टॉलेशन के टाइम बताऊंगा इसका बहुत मेन यूज है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। और ये आपको मिल जाता है यूजर मैनुअल पूरा, इसके अंदर आपको लिखा हुआ है कि आपको कैसे कैसे इंस्टॉलेशन करनी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक गाइड है फ्रंट कैमरे की और ये है रियर कैमरे की, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, वैसे आप पढ़ सकते हो, फिर भी मैं आपको इधर यहाँ पे बता दूंगा कि कैसे करना है। और ये जो दो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर्स मेरे बचे हुए हैं, एक का यूज हो चुका है आगे पीछे में और एक बचे हैं, और ये जस्ट इन केस आपका जो कैमरे का जो टेप होता है डबल साइड टेप वो खराब हो जाता है, तो भी कंपनी ने आपको दो और दिए हैं, एक आगे का एक पीछे का, क्योंकि कंपनी इसको भी पता है कि यार अगर आदमी एक बार गड़बड़ कर दे तो कोई दिक्कत वाली बात ना हो, आदमी फिर से उसको कर सके। तो चलो अब मैं आपको दिखा दिया सारे सामान क्या क्या इसके अंदर मिले हैं, अब मैं आपको बताता हूँ इसका बेसिक प्रोसीजर है। यार इंस्टॉलेशन का कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं भी फर्स्ट टाइम किया था एंड मुश्किल से आपको हाफ एन आवर लगेंगे, मैं मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, आधे घंटे में आप एकदम इजीली कर लोगे, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो, ये है हमारा 70 MAI का A400 फ्रंट, और ये आपका हो जाता है रियर कैमरा, वो जो आपको वहां पे दिख रहा है छोटा वाला, वो रियर कैमरा है। एंड एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, जो रियर वाला है वो 180 डिग्री रोटेशन के साथ में भी आता है। एंड स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात कर लूँ, स्पेसिफिकली जो फ्रंट वाला है तो ये कितना वाइड एंगल है एंड क्या क्या चीजें इसमें आपको देखने को मिल जाती है वो आप ये देख सकते हो यहाँ पे।
तो ये 145 डिग्री वाइड एंगल फुटेज भी डाल दूंगा ताकि आप देख सको कि जो 145 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल इसमें लिखा हुआ है वो सच में वाइड है या नहीं। और एप्लीकेशन इनेबल्ड है, मतलब इसका एक एप्लीकेशन आता है 70 mAi का, जो आप अपने फोन के थ्रू आप इस डैश कैम से कनेक्ट करके जो भी फुटेज है आप विद इन 10-20 सेकेंड्स आप अपने फोन में ले सकते हो। कोलिजन डिटेक्शन भी आता है इसमें, एंड जो क्वालिटी है वीडियो की वो ये रही, सामने का 1440p में और पीछे का 1080p पे रिकॉर्ड करता है, तो काफी अच्छी क्वालिटी है। मैं पर्सनल यूज कर चुका हूँ और मैं आपको तो एग्जाम्पल के लिए वो फुटेज डालूंगा ही, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये इसका इंस्टॉलेशन आपको करना कैसे है, देखो एकदम बेसिक फंडा है इसमें। ये जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर जो है अलग से मे बी दिखे, ये देखो हाँ, ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर, इसको आपको कुछ नहीं करना है, उसमें एक फिल्म लगी होती है, जैसे आपको मैं अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसके अंदर है हमारा, यस ये रहा फॉर एग्जांपल, ये वाला जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर है इसमें ये जो व्हाइट वाला पार्ट है आप इसको पकड़ करके इसकी फ्लेम को निकाल दोगे, जैसे ही आप इसको रिमूव करोगे, रिमूव करने के बाद आप इसको इजीली यहाँ पे स्टिक कर सकते हो। अगर आप यही वाला सेटअप लेते हो A400 प्लस फ्रंट एंड रियर बोथ का, तो इसके लिए ये वाला आपका रियर का हो जाएगा जो रेक्टेंगुलर शेप का है, और जो दूसरा वाला मिलता है आपको वो आपको मिलता है फ्रंट वाला, ठीक है। तो फ्रंट वाला देखो, आपने व्हाइट वाला वो प्लग को निकाला, इजीली आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर को यहाँ पे स्टिक कर दिया, वो आराम से चिपक जाएगा। और उसके बाद आपको अपना डैश कैम लेना है, डैश कैम में जो डबल साइड टेप होता है उसको रिमूव करके एकदम आपको उसमें, देखो आपको मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ, ये लो ये जो प्लेस दिया गया है ना डॉटेड लाइन से, ये रियर वाला है। तो जैसे आप निकालोगे इसके स्टिकर को, इसका जो फ्लेम रहती है उसको निकाल के जब आप स्टिक करोगे, जो डॉटेड लाइंस दी गई है इसी के अंदर आपको अपने कैमरे को फिक्स करना है। ये रियर का है जैसे आप देख सकते हो, रियर वाला है ना, उस डॉटेड लाइंस के अंदर आपको उस कैमरे को फिक्स करना है। तो यहाँ पे ये पूरा रेक्टेंगुलर शेप का था, ये जो फ्रंट वाला है उसका मैंने डबल साइड टेप का कवर निकाला और उसके बाद जस्ट उसको मैंने यहाँ पे ऐसे पकड़ के स्टिक कर दिया, नथिंग एल्स, ठीक है। सिर्फ यार आपको वो फिल्म का कवर को रिमूव करना है, उसके बाद यहाँ पे उसको स्टिक कर देना है, बहुत आराम से हो जाएगा, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। एंड सबसे मेन चीज जो आती है वो आती है वायरिंग की। हर आदमी ये पूछता है कि यार वायरिंग कैसे करेंगे, सारी चीजें तो हो जाएंगी, तो चलो अब मैं आपको वायरिंग का भी दिखा देता हूँ। ये आपको दिख रहा है ये जो वायर है, ये पूरा मैंने ये इसको हल्का सा आप रिमूव कर सकते हो। और अब आपको मैं दिखाता हूँ मेन चीज, ये जो मैंने आपको शो किया था तो इसका मेन काम यहीं पे आएगा, और वो कैसे होगा वो मैं चलो आपको दिखाता हूँ। आप ऐसे इसको यहाँ पे इंसर्ट करके, ये देखो इसको निकाल करके वायर को अंदर डाल सकते हो आराम से, हल्का सा रिमूव किए और वायर को ऐसे अंदर करके इसको वापस पैक कर दिए। तो ऐसे ही सिंपली आपको साइड से पूरा लेकर के जाना है, देखो जैसे यहाँ पे मैं लेके गया, इधर से ये पैनल को रिमूव करने की भी जरूरत नहीं है। देखो कई लोग पैनल को पूरा रिमूव कर देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पैनल रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इससे जस्ट हल्का सा उठा उठा के इसके अंदर डाल सकते हो। एंड ये गैप जो है ये पहले से था, अभी नहीं आया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको इधर से हाइड करते हुए लेके गया हूँ, ये देखो जो रबर होती है उसके अंदर से इधर, और इसका ये जो रूफ में दिया गया है इसको रिमूव करके आप इजीली इसको भी आप, ये जैसे अभी तो मैं एक हाथ में कैमरा है तो इसको भी आप आराम से ऐसे करके जब आप इसको पुल करोगे ना, ये निकलेगा हल्का सा और उसी में आपकी वायर को आप हाइड करके ऊपर तक ले करके जा सकते हो। ये देखो यहाँ से सेम चीज़, यहाँ से आप पूरा ऊपर तक लेकर के आ जाओगे इधर, एंड ये जो पिलर होता है, जो बी पिलर होता है, वहाँ पे आप क्या करोगे वो मैं आपको बता दूँ। ये लो यहाँ पे आपने ले आया यहाँ तक पूरा हाइड करके, सेम टू सेम जैसे मैंने बताया, उसके बाद कुछ नहीं करना है। पिलर्स को यहाँ से आपको ये जो स्टिक दिया गया यही बहुत मेन काम करेगा इस पूरे पार्ट में, पूरे इंस्टॉलेशन पार्ट में, तो कुछ नहीं करना है। ये हल्का सा यहाँ पे निप, इसका टिप जो है पतला सा दिया गया है, उसके थ्रू आप यहाँ से इसको रिमूव करके इजीली वायर पूरी हाइड करके पीछे तक ले जा सकते हो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, सो ये देखो अब हमने क्या किया, सारी चीजें हमने वायर को यहाँ से हाइड करते हुए पूरा लेकर के आ गए, यहाँ छुपाते हुए वायर आ गई हमारी यहाँ तक। एंड अब आप दो चीजें कर सकते हो, मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूँ। एक तो हो गया, तो अब आप इसमें दो चीजें कर सकते हो, वायर आपने यहां तक ले आई, अब आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, या देखो मैंने तो इस केबल को यहाँ पे माउंट कर दिया क्योंकि इतनी लंबी केबल है, मतलब आपकी कोई भी गाड़ी हो, लंबे से लंबी कार हो, फॉर्च्यूनर हो, एंडेवर हो या मर्सिडीज हो, सब में ये चीज इजीली फिक्स हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केबल मैंने यहां से लाई, उसके बाद रोल करके यहाँ पे टेपिंग कर दी है, और ये चीज आप दोनों जगह कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पीछे किया है, आप ऐसा कर सकते हो, यहां से ना हाइड करते हुए आप वहीं पे
उस चीज को नीचे में ही रोल आउट कर दो, ठीक है। बट मैंने ये बेटर समझा कि चलो इसको पीछे ही रखते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से इसके भी सेम जैसे सेम केस है, रबड़ को हटा हटा के आप वायर डाल करके इजीली ला सकते हो यहाँ तक। और अब मैं आपको एक चीज बता दूं, इतना मैंने इसमें प्ले क्यों छोड़ा है, आपको पता होगा जब आप डिक्की ओपन करोगे उसके लिए थोड़ा सा प्ले मैंने दिया हुआ है इसमें। अदरवाइज अगर मैं इसको भी अंदर कर देता हूं तो बिल्कुल प्ले नहीं होगा, एंड ये कैमरा जब हम डिक्की ओपन करेंगे तो ये वायर निकल जाएगी एंड कैमरा डैमेज हो सकता है, ठीक है। एंड अब जो मैं फीचर बता रहा था इसका वो ये है कि ये देखो आप, ये पूरा रोटेट होता है। जो कैमरा है ये आपकी कार के अंदर की फुटेज को रिकॉर्ड करने लगेगा। तो ये हुआ बहुत यूनिक फीचर इस कैमरे के बारे में। इसका जो सेटअप है बहुत यूनिक है इसीलिए क्योंकि वो आपका फ्रंट से रिकॉर्ड कर रहा है, ये आपका रियर रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आपको गाड़ी में कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो रिकॉर्ड करना है तो आप इसको ऐसे रोटेट करके कार के अंदर की जो भी चीजें हैं, जो भी गतिविधियां हो रही है, वो आप यहां पे देख सकते हो इजीली। तो ये एक सेफ्टी कंसर्न जिसको भी होता है अपनी गाड़ी को लेकर के, वो इस चीज को इजिली इंस्टॉल कर सकता है। एंड मैंने ट्राई किया अपना बेस्ट कि देखो इंस्टॉलेशन में कुछ नहीं है, वायर आपको नीचे से हाइड करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको मैं बता देता हूं, इसमें से ये जो रियर वाली जो वायर होगी वो ये जो वायर यहां से जाएगी ना, वो वायर इसमें एक आके कनेक्ट हो जाएगी इस कैमरे में इनलेट में, ठीक है। रियर का इनलेट जब तक आप इसमें नहीं दोगे तो ये आपका रियर वाला कैमरा ऑन नहीं होगा। इसमें दो केबल क्यों आई है, एक केबल आपकी यहां से हाइड होकर के मैं नीचे लेकर के गया हूं, ये आपकी गई चार्जिंग पोर्ट में, और जो दूसरी वाली वायर है, दूसरी वाली वायर यहां से ही हाइड होकर के पीछे आ गई है, और वो पीछे आकर के इस कैमरे में ज्वाइंट है। ये पहले से ज्वाइंट रहेगा, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लग एंड प्ले वाला काम है, दोनों को आपको उसमें प्लग करना है, आपका सेटअप पूरा रेडी है, ठीक है। तो ये इतना आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। तो ये रहा पूरा सेटअप जो कैमरे का था। एंड इफ टिल नाउ अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, बेझिझक जाकर के आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको यहाँ पे दे ही दी है, वहां पे भी आप जाके मुझसे क्वेश्चंस को अराइज कर सकते हो। मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दे सकूं। हाँ, एक चीज और मैं मेंशन कर देता हूँ कि इस कैमरे में जो सैंडिस्क का जो चिप होता है वो सपोर्ट नहीं करेगा, आपको सैमसंग का या कोई और कंपनी का लगाना पड़ेगा। वो इसकी जो यूजर मैनुअल है उसमें भी दिया हुआ है, वो आप आराम से ध्यान से देख करके परचेस कर सकते हो। तो हमने तो इसमें सैमसंग का डाला है 128 GB का, अप टू 128 ये सपोर्ट करता है, तो इट्स बेटर कि आप अच्छी क्वालिटी का डालो। तो ये तो था कुछ इस डैश कैम के इंस्टॉलेशन के बारे में, बहुत सिंपल है यार, कोई भी दिक्कत होती है आप बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था आपका पूरा कैमरे का सेटअप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें आपको दो जो इनपुट होंगे, एक इनपुट आपका जो आएगा वो आएगा रियर कैमरे के थ्रू, वो भी आप यहां से साइड से हाइड करके पूरा लेकर के जा सकते हो। कैसे हाइड करना है वो मैंने आपको बता दिया, ये जो स्टिक आपको कंपनी दे रही है इसका बहुत मेजर रोल है, आप अब तक समझ ही चुके होंगे। तो एक यहां पे आपका रियर तक चला गया, एंड दूसरा वाला आप हाइड करके आपकी इसकी चार्जिंग केबल में लगा देना है। कंपनी ने दो पोर्ट नहीं दिए हैं, ये तो एक डीमेरिट है ही इस चीज का, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप यूएसबी वाले से अपने फोन को चार्ज कर सकते हो, उसमें भी आपको इश्यू फेस होने वाला नहीं है। और अब मैं इसकी फुटेज को ऐड कर देता हूं इसमें, तो आप देख पाओगे कि इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है। फ्रंट की भी ऐड कर रहा हूं मैं, एंड रियर की भी ऐड कर रहा हूं। फ्रंट कैमरा जो था बहुत अच्छी क्वालिटी, जो रिजोल्यूशन काफी अच्छा है, कार का या बाइक का जो नंबर प्लेट है आप इजीली रीड कर सकते हो, एंड जो रियर का भी है बहुत आराम से आप अपने नंबर प्लेट को रीड कर सकते हो जो कार या जो व्हीकल आपके पीछे चल रहा है। तो ये तो थी, देखो सबसे मेन चीज तो नंबर प्लेट ही होता है आप रोड पे चलते हुए, है ना। तो ये चीज आपको इजीली ये कैमरा करके दे देगा, रोड में भले ही आप कितने ही अच्छे से चल रहे हो दूसरे आदमी की वजह से भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक डैश कैम, एटलीस्ट सिंगल डैश कैम तो आप ले ही सकते हो, उसको परचेस करके जरूर अपने कार में लगाइएगा। एंड सबसे पहली एक्सेसरीज अगर कुछ आती है गाड़ी में तो वो डैश कैम ही होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये आपकी सिक्योरिटी के रिलेटेड है। कार तो आपने नो डाउट, आपने अच्छी सेफ्टी वाली गाड़ी ली हो या ना ली हो, बट ये बहुत ज्यादा काम आएगा आपके इन फ्यूचर, क्योंकि जस्ट इन केस ऑफ एनी मिस हैपन आपको ये चीज जरूर लगती है कि ये इन्वेस्टमेंट हमें कर लेना चाहिए। ये था कुछ आज के 70 MAI या मे बी किसी भी डैश कैम के बारे में, और आपको क्यों लगाना चाहिए, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, वो सब मैंने आपको बताने की कोशिश की। एंड फिर भी कुछ अगर पेंडिंग रह गया हो तो आप नो डाउट मुझसे पूछ सकते हो। एंड चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद। You are the only one.